हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर क्लासेस GPV 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स। और आज हमारी जो है एक्सरसाइज नंबर 3 है, जिसमें हम देख पढ़ेंगे कि मस्कुलेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इन उर्द, मूंग, काउपी एंड पीजन पी, जो हमारी ये पल्सिस क्रॉप हैं। इन पल्सिस क्रॉप्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि इसमें इमस्कुलेशन कैसे कराते हैं और हाइब्रिडाइजेशन कैसे कराते हैं। तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं कि इमस्कुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक, तो इमस्कुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस क्या है, वही इक्विपमेंट वही चाहिए, जैसे सीजर है और फॉर्सेप है, निडल है, ब्रश है, बाकी तो जो ब्रीडर किट्स जो हैं वो सब वही सेम चाहिए। तो उसके लिए जो हम आज पढ़ेंगे आगे, और इसमें तो जो भी है डिफरेंट होगा कुछ वो आप लोगों को पता ही लग जाएगा, लेकिन जो इक्विपमेंट है ब्रीडर किट तो वही चाहिए होती है। तो आइए शुरू करते हैं स्टेप्स इन इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो जो हाइब्रिडाइजेशन हम कराते हैं तो उसमें स्टेप्स होती हैं, कुछ वो फॉलो करनी पड़ती हैं, कि कौन कौन सी वो स्टेप्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, जैसे चॉइस ऑफ पेरेंट। तो पहले हम चॉइस ऑफ पेरेंट, हमारी चॉइस होगी पेरेंट की, वो किसके अकॉर्डिंग होगी, जो हमारा ब्रीडिंग एम्स होगा, जो हमारे ब्रीडिंग एम्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम पेरेंट को चॉइस करेंगे। फिर इवेल्युएशन ऑफ पेरेंट, फिर हम इवेल्युएट करेंगे पेरेंट्स को कि जो पेरेंट्स हैं हमारे वो हमारी ब्रीडिंग के जिस उद्देश्य से हम ब्रीडिंग कर रहे हैं उस ब्रीडिंग के उद्देश्य से क्या वो कैरेक्टर्स इसमें हैं जिस हमने जिसके लिए इन्हें लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेरेंट को हम अपना वो करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। फिर सेल्फिंग ऑफ पेरेंट, और उसके बाद पेरेंट्स की सेल्फिंग भी करते हैं। फिर इमस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, पॉलिनेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, ड्राइंग एंड स्टोरेज एक्सेट्रा। तो इमस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, पॉलिनेशन, हार्वेस्टिंग, ये सब आप लोग जानी रहे हैं। इमस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट ऑफ द फीमेल लाइन, या मेल या जो हमने अगर बाई सेक्सुअल फ्लावर है तो हम मेल पार्ट निकाल देते हैं ऐसे ही। फिर बैगिंग करते हैं, बैगिंग किसके लिए, अवॉइड टू कंटामिनेशन। टैगिंग किसके लिए करते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए कि कौन किस डेट में इमस्कुलेशन हुआ, किस डेट में पॉलिनेशन हुआ, और पेरेंट कौन कौन से जिनके बीच में इनमें क्रॉसिंग कराई गई है। फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद थ्रेसिंग, ड्राइंग और स्टोरेज। तो ये स्टेप्स जो फॉलो होंगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन में। फिर आता है, पहली हमारी क्रॉप्स आती है रेड ग्राम, कैजानस कजान 2N=22। इसके जो कैजानस कजान है, इसके क्या है, ये रेड ग्राम है, इसका बॉटनिकल नेम है कैजानस कजान, जिसमें जीनस कैजानस और स्पेसीज कजन, और इसका क्रोमोसोम नंबर है 2N=22। फैमिली क्या है, फेवेसी फैमिली है इसकी। और ये कैसी क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेशन इज रूल इन रेड ग्राम एंड नेचुरल क्रॉसिंग एक्सटेंड अप टू 65%। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नेचुरल क्रॉसिंग भी होती है जो जहाँ तक 65% तक है। देयर फॉर इट्स आल्सो नोन एज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल पॉलिन वो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। फ्लावर, इसका फ्लावर कैसा होता है, इंडिविजुअल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ कैलिक्स विद 5 सेपल, जो इंडिविजुअल फ्लावर होता है उसमें क्या होता है, कैलिक्स विद 5 सेपल्स, उसमें 5 सेपल्स होते हैं, एंड करोला विद ए स्टैंडर्ड पेटल, 2 विंग्स पेटल्स एंड ए कील पेटल्स, और इसमें करोला होता है और ए स्टैंडर्ड पेटल, स्टैंडर्ड पेटल के साथ 2 विंग्स होते हैं पेटल्स के एंड एक कीला पेटल्स पेटल्स और एक कील होती है पेटल्स की। देयर आर 10 स्टेटमेंट्स, 9 फ्यूज्ड स्टेमेंट्स, इसमें कितने होते हैं 10, जिसमें 9 फ्यूज्ड इन ए कॉलम एंड 1 फ्री, इसमें एक 1 क्या होता है वो एक फ्री होता है, एंड 1 स्टिग्मा वाज कवर्ड ऑफ सेंट्रल एंड 9 स्टेमेंट्स इन कॉलम। वन स्टिग्मा वॉज कवर्ड ऑफ सेंट्रल, जो 9 स्टैमेंस होते हैं उनके वो द्वारा वो सेंटर में कवर्ड रहती है स्टिग्मा, और एक इन ए कॉलम में वो कवर्ड रहती है। जैसे कि ये आपको एक फिगर दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया कि ये किसका है, फ्लावर है, ये कैजानस कजान का फ्लावर है। फिर इसमें देखो ये दिखाया गया है कि
यहाँ पे क्या है, ये इसके अगल बगल से हैं एंथर, 9 एंथर, और ये क्या हमारी स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा होती है। फिर एंथेसिस, एंथेसिस कब होती है, फ्लावर स्टार्ट ओपनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इन द समर एंड नून ड्यूरिंग विंटर। फ्लावर की ओपनिंग कब स्टार्ट होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह, जल्दी सुबह, अर्ली मॉर्निंग में, इन द समर मतलब गर्मी की जो हमारी क्रॉप होती है, समर की क्रॉप होती है, उसमें सुबह में फ्लावर ओपनिंग होती है एंड नून ड्यूरिंग विंटर, विंटर और उसके नून के बाद उसमें जो विंटर क्रॉप होती है उसमें कंटिन्यूअस ओपनिंग थ्रू आउट द डे, और उसके बाद कंटिन्यू पूरे दिन होती रहती है। द लेंथ ऑफ टाइम फ्लावर रिमेन ओपन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेदर, और जो फ्लावर की लेंथ है टाइम की, कि उसमें कितना टाइम लग सकता है, वो वेरी करता है वेदर पे, वो वेदर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। फिर आता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इसमें कैसा होता है, स्टिग्मा इज रिसेप्टिव पॉलन बिफोर एंथेसिस एंड पॉलिनेशन कैन बी डन इमीडिएटली आफ्टर इमस्कुलेशन, और जब हम इमस्कुलेशन कर लेते हैं उसके बाद तुरंत क्या कर सकते हैं, इसमें पॉलिनेशन करा सकते हैं, क्योंकि स्टिग्मा इज रिसेप्टिव पॉलन, स्टिग्मा कैसी होती है, रिसेप्टिव होती है पॉलन बिफोर एंथेसिस, एंथेसिस से पहले स्टिग्मा क्या होती है, रिसेप्टिव होती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें पॉलिनेशन करा सकते हैं तुरंत इमस्कुलेशन के बाद। पॉलन इज वर्ड्स रिमेन वेबल अप टू 42 आवर एट रूम टेम्परेचर, 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, हम रूम टेम्परेचर पर इसके पॉलन को स्टोर कर सकते हैं 42 घंटे के लिए, और उसमें क्या होना चाहिए, 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 50.6% उसमें ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एंड अप टू 11 डेज इन द रेफ्रिजरेटर, और इसके जो पॉलन है उसको हम स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में लगभग 11 दिन तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 37.5% ह्यूमिडिटी हो तब। फिर आता है सेल्फिंग टेक्निक, तो सेल्फिंग टेक्निक में क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, वैगिंग करा देते हैं, वैगिंग यंग बर्ड, जो यंग बर्ड होती हैं उनकी वैगिंग करा देते हैं, वैगिंग कराने से क्या होगा, उसमें बाहरी पॉलिनेशन नहीं होगा, उसमें कंटामिनेशन नहीं होगा कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैगिंग कराते हैं सेल्फिंग के लिए। मैनुअल ट्रांसफ़र ऑफ फ्रेशली कलेक्टेड पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या अगर हम इसमें कराना चाहें तो हम करा सकते हैं मैनुअली पॉलन इसका सेम प्लांट का सेम फ्लावर पे ही करा सकते हैं, ऐसे भी हम सेल्फिंग करा सकते हैं। फिर आता है क्रॉसिंग टेक्निक, क्रॉसिंग टेक्निक में क्या है, हैंड इमस्कुलेशन है, पॉलन कलेक्शन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, इसमें ये 3 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं क्रॉसिंग टेक्निक में। फिर पहले नंबर आता है इमस्कुलेशन, तो इमस्कुलेशन कैसे करें, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर, तो सबसे पहले हम रिमूव करते हैं एंथर को किससे, फ्रॉम फ्लावर से, एंड यूज हैंड इलिमिनेट ए हाफ ऑफ वर्ड, और हैंड द्वारा हम इलिमिनेट कर देंगे हाफ वर्ड को, इलिमिनेट कर देते हैं, एंड यूज फॉर्सेप रिमूव द एंथर इन द स्टैमंस, और हम एंथर को रिमूव कर देते हैं, जो स्टैमंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं किससे, फ्लावर से। फिर आता है पॉलन कलेक्शन एंड पॉलिनेशन, इसके बाद आता है पॉलन कलेक्शन करें और फिर पॉलिनेशन करें, कलेक्ट पॉलन फ्रॉम द मेल पेरेंट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, हम अर्ली मॉर्निंग में जो हमारे मेल पेरेंट होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, पॉलन को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर पॉलिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ इमस्कुलेटेड फ्लावर, और उसको पॉलिनेट करा देते हैं कि ब्रश की सहायता से, हम जो हमारा ब्रश रहता है हेयर जिसमें लगे रहते हैं उसकी सहायता से हम क्या कराएंगे, उसमें पॉलिनेशन करा देंगे, डस्ट में ब्रश को लगाएंगे और इसकी स्टिग्मा पर लगा देंगे पॉलन, और बैग द पॉलिनेटेड फ्लावर टू प्रिवेंट आउट क्रॉसिंग, और उसके बाद बैगिंग कर देंगे पॉलिनेटेड फ्लावर को, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा पॉली आउट क्रॉसिंग को। देखिए ये स्टार्ट, जैसे हमने कोई स्टिग्मा ले ली, बड ले ली, और उसको और यहाँ पे देखिए ये फॉरसेप, फॉरसेप द्वारा क्या कर रहे हैं, ये
एंथर को रिमूव किया जा रहा है, यहाँ पे फॉर्सेप द्वारा एंथर को रिमूव किया जा रहा है, फिर बुरुस द्वारा, फिर बुरुस द्वारा क्या है पॉलिनेशन करा दिया, फिर उसके बाद जो पॉलिनेटेड बर्ड है उसको कवर कर देते हैं वाटर पेपर बैग द्वारा। तो ये हमारा हो गया पीजन पी की सारी प्रोसेस, मस्कुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन की। फिर आती है हमारी ब्लैक ग्राम बिगना मुंगो बॉटनिकल नेम है इसका, डिप्लॉयड होते हैं 2n=22 and 24 क्रोमोजोम होते हैं, और फैमिली है इसकी फेवेसी। ये कैसी है सेल्फ पॉलिनेटेड इज द रूल, एंड हेयर पॉलिनेशन अकर्स बिफोर फ्लावर ओपनिंग क्लेस्टोगैमस इन नाइट। क्योंकि ये इसका यहाँ पे क्या होता है पॉलिनेशन हो जाता है पहले ही, फ्लावर ओपनिंग से पहले ही, तो वो नेचर जो होता है उसको कहते हैं हम क्लेस्टोगैमी नेचर कहते हैं, जो फ्लावर पॉलिनेशन होने के बाद ही ओपन होते हैं ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं क्लेस्टोगैमी फ्लावर्स। और एंथेसिस टाइम 1 AM to 4 AM, एंथेसिस टाइम क्या है 1 बजे से 4 बजे तक का इसका एंथेसिस टाइम है, फ्लावर उस समय खुलता है, द फ्लावर ओपन इन द मॉर्निंग एट 7 AM, और जो फ्लावर हो जा फ्लावर जब ओपन होता है वो सुबह को 7 बजे ओपन होता है, एंड द इंटरवल बिटवीन पॉलिनेशन एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज 4 आवर, और इनके बीच जो इंटरवल होता है बिटवीन पॉलिनेशन एंड ओपनिंग का वो होता है 4 आवर का, मतलब 4 घंटे के अंदर ही ये प्रक्रिया पूर्ण होती है जिसमें फ्लावर ओपन होता है, इससे पहले पॉलिनेशन हो जाता है, एंड दिस इंश्योर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और ये इंश्योर होता है कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। फिर आता है सेल्फिंग, एज इन रेड ग्राम बैगिंग इज डन टू अवॉइड इंसेक्ट कंटैक्ट एंड क्रॉसिंग यंग अनओपन वर्ड इज केप्ट बिटवीन थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। तो इसमें भी क्रॉसिंग जो होती है सेल्फिंग और क्रॉसिंग वो एकदम जैसे हमने बताई थी अभी उसमें क्या बोलते हैं रेड ग्राम में अपने पिजन पी में, तो उसी के जैसे इसमें भी होती है बैगिंग डन कर देते हैं अगर हमें करानी होती है सेल्फिंग, तो फिर हम इसमें क्या करते हैं सेल्फिंग कराने के लिए बैगिंग कर देते हैं, जो हमारी यंग वर्ड होती हैं उनको बैगिंग द्वारा बटर पेपर बैग द्वारा बैगिंग करा देते हैं, और उसके बाद क्या होता है हमारा उसमें सेल्फिंग हो जाती है। और उसके बाद अगर हम जब हम इमस्कुलेशन के लिए कराते हैं तो इमस्कुलेशन में सबसे पहले क्या होता है वर्ड को सिलेक्ट करते हैं जो ऐसी वर्ड यंग वर्ड जो हों जिनमें कि पॉलिनेशन ना होने पाए, तो ऐसी वर्ड हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको ओपन करते हैं फॉरसेप की सहायता से, हम चिमटी की सहायता से उनको ओपन करते हैं, और उनके जो एंथर होते हैं उनको हम क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं जैसे इसमें बताया गया है कि द लेफ्ट साइड द स्टैंडर्ड विंग पेटल आर पुश्ड आउटवर्ड एंड हेल्ड विद थंब द लेफ्ट हैंड, और इसमें हम अपने जो हैंड द्वारा ही इनको हम क्या करते हैं फ्लावर को ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ कील पेटल इज रिमूव्ड विद द फॉरसेप, और रिमूव कर देते हैं जो कील्स होती हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद पॉलिनेशन इज डन बाय जेंटली रविंग एंथर ऑफ मेल इंसर्टिंग द स्टेमिनल कॉलम एंड क्लोजिंग इट विद स्टैंडर्ड एंड विंग पेटल्स, एंड सिंस फ्लावर सेडिंग इज कॉमन पुटिंग वाटर पेपर बैग इज अवॉइडेड, एंड द इमस्कुलेटेड फ्लावर इज आइडेंटिफाई विद थ्रेड वाउंड अराउंड, एंड द क्रॉस्ड पॉड विल बी स्मॉलर साइज विद 2 or 3 seeds ओनली। फिर सेल्फिंग टेक्निक वही है, और उसमें भी हम क्या करते हैं जैसे हमने पॉलिनेशन करा, हमने इमस्कुलेशन करा लिया, बर्ड को क्या किया ओपन किया और उसकी कील्स जो हैं पेटल्स जो हैं वो निकाल दिए, जो विंग्स रहती हैं उनको निकाल दिया, फिर हमारे पास क्या बचता है उसका स्टिग्मा और एंथर रिमूव कर दिए। उसके बाद हमारी जो मेल पेरेंट है उससे हम क्या करेंगे पॉलन को कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे उनको सेड करा देंगे किस पे जो हमारी स्टिग्मा जो इमस्कुलेटेड हमारे फ्लावर हैं, और उन इमस्कुलेटेड फ्लावर को उसके बाद हम क्या कर देंगे वाटर पेपर बैग द्वारा बैगिंग कर देंगे जिससे कि कोई बाहरी जो हमारा पॉलन है जिससे कि वो कंटामिनेट ना हो पाए। तो ये हमारी बात हो गई उसकी। फिर आती है काउपी लोबिया, लोबिया काउपी
इसके कॉमन नेम कई हैं, जैसे काउपी, ब्लैक आई वीन या हॉर्स वीन, ब्लैक आइड पी, साउदर्न पी या यार्ड लॉन्ग विंग बीन और एस्परेगस बीन। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, कॉमन नेम है। और फिर साइंटिफिक नेम है बिगना एनगुलाटा। क्रोमोजोम नंबर 2n=2x=22, इसके क्रोमोजोम नंबर। ओरिजिन अफ्रीका। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? इंडिया और चाइना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं? प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है? उसका ओरिजिनल सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है, जहाँ पे मोर डाइवर्सिटी शो करते हैं जो हमारी क्रॉप्स होती हैं। और फिर जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है वो क्या होता है, उनका सेकेंड जहाँ पे क्रॉप्स क्या हैं मतलब लेस डाइवर्सिटी शो करती हैं, लेकिन वो वेल अडेप्टेड होती हैं वहाँ भी, तो उसको हम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं। ऐसी प्लेस ऑफ डोमेस्टिकेशन, इसका जो जहाँ पालतू की डोमेस्टिकेशन माने हो ना पालतू, प्लेस ऑफ डोमेस्टिकेशन इथोपिया, सेंट्रल साउथ एंड वेस्ट अफ्रीका एंड इंडिया। तो ये इसके वो हो गए। फिर है फ्लोरल बायोलॉजी। इनफ्लोरसेंस इज एन अनब्रांच, जो इसका इनफ्लोरसेंस होता है वो अनब्रांच्ड होता है। एंड एक्जिलरी रेसीम वेयरिंग सेवरल फ्लावर्स एट द टिप ऑफ पिडंकल, एंड फ्लावर्स आर इन अल्टरनेट पेयर्स एंड गैमोसिफाइलस, इसके जो फ्लावर्स होते हैं। तो ये इसकी फ्लावर बर्ड है एक लोबिया की, जिसमें क्या है जो फ्लावर क्या है इस पे कई सारे फ्लावर एक पे ही लगे रहते हैं। सेल्फिंग, सेल्फिंग कैसे कराते हैं? द काउपी इज बींग ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, इट डज नॉट रिक्वायर एनी आर्टिफिशियल सेल्फिंग मेथड्स। वट फॉर द बेटरमेंट वी जनरली गो फॉर बैगिंग ऑफ द मैच्योर फ्लावर बर्ड। इसमें क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, तो इसमें वैसे जनरली ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन वेटर करने के लिए 100% श्योर होने के लिए हम क्या करते हैं, जो यंग फ्लावर बर्ड है या मैच्योर फ्लावर बर्ड है उनको हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं बटर पेपर बैग द्वारा। इससे हमारी सेल्फिंग हो जाती है उसमें। फिर आती है क्रॉसिंग। काउपी फ्लावर्स आर लार्ज एंड सोए, ये बड़ा फ्लावर होता है। तो इमस्कुलेशन कैरिड आउट इन ए मैच्योर फ्लावर बर्ड प्रोसीडिंग एवनिंग इवनिंग टाइम। तो इसमें जो हम मैच्योर फ्लावर बर्ड होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं जिनमें मतलब पॉलिनेशन ना होने पाए, ऐसी फ्लावर बर्ड सिलेक्ट करते हैं। और उनको सिलेक्ट करने के बाद इवनिंग टाइम में ही हम सिलेक्ट करके उनका इमस्कुलेशन करते हैं, फ्लावर बर्ड ओपनिंग कर लेते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में बता चुके हैं। क्योंकि ये सारी पल्सेस क्रॉप हैं तो इनकी क्या है, क्रॉसिंग और पॉलिनेशन और सेल्फिंग की प्रक्रिया, हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया लगभग सभी की सेम ही है। फिर पॉलिनेशन इज डन साइमल्टेनियसली और इन नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रॉम ए फ्रेशली ओपन फ्लावर। और उसके बाद पॉलिनेशन हम डन कर सकते हैं, उसमें सुबह को डन करते हैं पॉलिनेशन। हम क्या करते हैं, जो हमारा मेल पेरेंट होता है उससे फ्लावर्स, उसके फ्लावर से हम क्या करते हैं पॉलन कलेक्ट करते हैं और उस पर डस्टिंग क्या है उस पर ब्रश की सहायता से हम उस पर लगा देते हैं, पॉलन सेड करा देते हैं। फिर आता है फिर हमने अभी पढ़ा कि काउपी का, फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं इसमें एक क्रॉप हमारी और रह गई है ब्लैक ग्रैम की। तो ब्लैक ग्रैम में क्या होता है, एंथेसिस कब होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड समटाइम क्लिस्टोगैमी इज प्रेवेंट। तो ये ब्लैक ग्रैम की है ये प्रक्रिया। तो क्लोज क्रॉस पॉलिनेशन इज 0.5 to 3% तक इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, एंड फ्लावर ओपन बिटवीन 6 to 8 AM रिमेन टिल अबाउट 6 से 8 बजे के बीच में फ्लावर ओपन होता है, 11 AM तक क्लोज बिटवीन 2 to 4 PM और ये क्लोज हो जाता है 2 से 4
ईएम के बीच में। फिर मस्कुलेशन हम कराते हैं इसमें कब, 4 to 6 PM में, मतलब शाम के टाइम हम समय पे हम क्या कराते हैं मस्कुलेशन। फॉर मस्कुलेशन द यंग वड इज कीप बिटवीन थम एंड वी फॉर फिंगर पॉइंट द डिसेक्टिंग नीडल्स इज इंसर्टेड जस्ट अंडर द स्टैंडर्ड इन एन ऑब्लिक पोजिशन अलॉन्ग द टॉप ऑफ द वड। और इसके बाद जैसे सभी में क्या है उसमें यंग वड हम सिलेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे पॉलिनेशन, वो इमस्कुलेशन के लिए यंग वड सिलेक्ट करेंगे, उसको ओपन करेंगे, कील को निकाल देंगे, जितने भी हैं पेटल्स हैं सेपल पेटल्स उनको रिमूव कर देते हैं, और उसमें क्या है हमारे क्या बचते हैं एंथर और स्टिग्मा बचती है, उसमें से हम क्या करते हैं एंथर को रिमूव कर देते हैं। फिर द लेफ्ट हैंड कील इज रिमूव्ड इन पीस ऑफ द फॉरसेप, पिस्टल स्टिग्मा आर देन एक्सपोज्ड एंड रिमूव द फॉर विद फॉरसेप। एंड पॉलिनेशन डन इन मॉर्निंग 8 to 11 AM कलेक्टेड मैच्योर एंथर्स फ्रॉम ओपन फ्लावर। और जो मॉर्निंग में फ्लावर ओपन हो चुके हैं हमारी मेल पेरेंट हैं उनसे हम पॉलन को क्या करेंगे कलेक्ट करेंगे और उसके बाद पॉलिनेशन करा देंगे, पॉलन सेट करा देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोस की सहायता से। और उसके बाद फ्लावर में भी बैक्ड आफ्टर पॉलिनेशन अंटिल पॉड आर मैच्योर। और उसको जो हमारी पॉलिनेटेड इमस्कुलेशन कराया उसके बाद पॉलिनेशन कराया, फिर पॉलिनेटेड जो हमारी बर्ड्स है उसको हम बैग से उसको बैग से बटर पेपर बैग से बैगिंग कर देंगे उसकी और जब तक मैच्योर ना हो जाए पॉड। और फ्लावर सेट इज़ वेरी हाई, और इसमें क्या होता है फ्लावर सेटिंग बहुत ही हाई होती है। तो फिर आज हमने पढ़ा है इसमें क्रॉप्स में कि आज की जितनी क्रॉप्स थी हमने सभी में पढ़ा था कि इमस्कुलेशन और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक किसमें उर्द मूंग काउपी और पिजन पी, तो इनमें हमने पढ़ा था आज कैसे कैसे इसमें हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, इमस्कुलेशन की प्रोसेस कैसे कराते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस कैसे कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक्स।